ओके गाइस, सो वेलकम अगेन। इस लेक्चर के अंदर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के केस स्टडीज देखने वाले हैं। वैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में केस स्टडीज ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम डायरेक्ट सवाल ही है, तो सभी डायरेक्ट सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। मैं सिर्फ केस स्टडीज को रेफर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, सो यार आपको समझा पाऊ। ये लेक्चर देखने के पहले इट इज कंपलसरी कि आप कॉन्ट्रैक्ट का केस स्टडीज का लेक्चर देखो, क्योंकि उसके अंदर मैंने किस तरीके से केस स्टडी सॉल्व होनी चाहिए इसका पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग दिया है। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। होल्ड, कॉन्ट्रैक्ट का अगर केस स्टडी का लेक्चर आपने नहीं देखा तो ये केस स्टडी लेक्चर मत देखिए, आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का केस स्टडी लेक्चर देखने के बाद ही ये लेक्चर देखना है, उसके सिवा आपका ये लेक्चर किसी भी काम में नहीं आएगा, ठीक है। सो डायरेक्ट सवाल हम छोड़ रहे हैं जो आप खुद पढ़ सकते हो, मैं यहां पर कवरअप कर रहा हूं सिर्फ केस स्टडी वाले एरिया, ठीक है। चलो लेट्स गो। ओके, राम कंसल्ट्स श्याम अ मोटरसाइकिल। अब ये केस स्टडी है पेज नंबर 2.4 पे, 2.4 का केस स्टडी है, आ जाइए सब जन। राम कंसल्ट्स श्याम अ मोटरसाइकिल डीलर फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। श्याम सजेस्ट मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फॉर द श्याम। द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस। राम ने श्याम की कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा किया, उसको बोला मुझे टूरिंग पर्पस के लिए मोटरसाइकिल चाहिए या कार चाहिए, और श्याम ने बोला ये मारुति लेके जाओ टूरिंग पर्पस के लिए बेस्ट है, पर बाद में वो कार अनफिट निकली, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो सकता है? ऑब्वियसली जब बायर सेलर के विजडम के ऊपर बिलीव करता है कि ये चीज इसी काम के लिए यूज की जाएगी और वो उस काम के लिए यूज नहीं होती है, तो ये सेलर की लाइबिलिटी होती है और कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो देखो आप पॉइंट नंबर वन में क्या लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बोला था किस तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं। अ स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड विच आर सब्जेक्ट देयरफॉर मे बी कंडीशन और वारंटी। क्वेश्चन है कंडीशन और वारंटी का। अ कंडीशन इज स्टिपुलेटेड एसेंशियल। कंडीशन ही हमेशा स्टिपुलेटेड होता है कि मेरे को ये चीज इतने तक की चाहिए और ऐसी ही चाहिए। मैंने अगर कोई कार ली और मैंने बोला मेरे को ये कार कम से कम 250 किलोमीटर तक चलनी चाहिए और वो अगर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चली तो इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, मैं कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकता हूं। अ वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस। ये स्टिपुलेशन है मेन पर्पस को कोलैटरल। क्लास के अंदर हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, अब केस स्टडी में बहुत ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर लेना पॉसिबल नहीं होगा, तो मेन लेक्चर देखिए। Where stipulation to contract or the sale condition or warranty depend in each case on the construction of the contract. नीचे, in the given case as the vehicle is unfit for the purpose of driving, ये लिखा है for the purpose of touring, it does not fulfill or defeats the purpose of the contract, then Ram is entitled to reject the car and have refund of the price. Ram का reject भी कर सकता है और price refund भी ले सकता है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। नीचे दूसरा केस स्टडी, रेफरिंग टू प्रोविजन ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस और सिमिलर टर्म्स द प्रॉपर्टी देयर इन पासेस टू बायर और नॉट। मिस्टर प्रीति ओड मोटरसाइकिल मोटर कार विच शी हैंडेड ओवर टू मिस मिस्टर जोशी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। आफ्टर ए वीक मिस्टर जोशी प्लेस द मोटर कार टू मिस्टर गणेश। प्रीति ने मोटर कार दी गणेश जोशी को, तो बोले आपको चाहिए तो रखना है तो वापस देना। जोशी बहुत बारी निकले, जोशी ने उसको दे दी मिस्टर गणेश को, ठीक है, प्लीज कर दिया, उसके ऊपर लोन भी ले लिया। मिस प्रीति नाउ क्लेम्स बैक द मोटर कार फ्रॉम मिस गणेश। विल शी सक्सीड? शी विल नॉट सक्सीड, क्योंकि मिस्टर गणेश ने ऑलरेडी मोटर कार यूज कर ली तो सेल कंप्लीट हो चुका है। अगर सेल और रिटर्न बेसिस पे आपके पास जो भी गुड्स आते हैं, प्रोविजन ये कहता है सेल और रिटर्न बेसिस पे आपके पास जो भी गुड्स आते हैं, अगर वो गुड्स आप यूटिलाइज कर लेते हो, प्लेच कर लेते हो या पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लेते हो, तो ऐसे केस में सेल इफेक्टिव हो जाता है। तो मिस प्रीति यहां पर मोटर कार वापस नहीं ले सकती। क्लियर है सर? क्योंकि सेल हो चुका है, यूसेज ऑफ गुड्स लीड्स टू कंप्लीशन। सो देन देयर इन पासेस, देखो क्या बोला है, जब गुड्स आप सेल और रिटर्न बेसिस पे ट्रांसफर करते हो तो टाइटल बायर को पास होता है। व्हेन बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, बायर ने एक तो अप्रूवल दिया, ही डज नॉट सिग्निफाई अप्रूवल बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। उसने गुड्स रिटेन कर लिए, और ही डज समथिंग विद द गुड्स विच इज इक्वेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। इन्होंने प्लीज कर दिया, देखो लिखा है प्लेजेस, मतलब यहां पे गुड्स एक्सेप्ट हो गए। सो हां मिस्टर जोशी ने ये कर लिया। नाउ इन दिस सिचुएशन मिस्टर प्रीति मिस प्रीति कैनॉट क्लेम बैक द मोटर कार।
क्योंकि उन्होंने उसको ऐसी कोई एक्टिविटी की है जैसे उन्होंने गुड्स क्लेम कर लिए। अगले केस के ऊपर जाते हैं, बाकी सब डायरेक्ट सवाल है, आप उसको पढ़ सकते हो। ओके, पेज नंबर 2.8 पे अगला केस है, आ जाइए। जे द ओनर ऑफ द फियाट कार वॉन्ट टू सेल हिज कार, फॉर दिस पर्पज ही हैंडेड ओवर द कार टू पी अ मर्केंटाइल एजेंट फॉर सेल एट द प्राइस नॉट लेस देन 50,000। द एजेंट सेल्स द कार फॉर 40,000 टू ए हु बाइज द कार इन द गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द फ्रॉड। पी मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी, ऑल्सो जे सूज ए फॉर रिकवर द कार, डिसाइड्स गिविंग रीजन वेदर जे वुड सक्सीड। जे ओन्स अ फियाट कार एंड सेल हिज कार फॉर द पर्पज हैंड ओवर द कार टू पी, पर्पज हैंड ओवर अ कार टू पी, कार वो सिर्फ पी को देता है एज अ मर्केंटाइल एजेंट फॉर द सेल ऑफ प्राइस नॉट लेस देन 50,000, 50,000 से नीचे मत बेचना, बट पी होशियार निकला, उसने 40,000 में ही कार बेच दी। तो ऐसे केसेस में ए को स्यू करता है जे कि मेरे को कार चाहिए, सवाल उठता है क्या ए से जे कार रिकवर कर पाएगा। तो बोला है देखो, हेंस जे इन दिस केस कैनॉट रिकवर कार बिकॉज ए ने जो कार परचेस की है वो गुड फेथ में और गुड टाइटल में परचेस की है। तो सर जे किससे रिकवर करेगा? जे कैन रिकवर फ्रॉम मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट से जे रिकवर कर सकता है, जो हमेशा पॉसिबल है। आंसर एक बार पढ़ना फटाफट, पॉज करके पढ़ लीजिए चाहिए तो। चलो डन, नेक्स्ट अगला केस। मिस्टर सैम्युअल एग्रीड टू परचेस 100 बेल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम मिस्टर वरुण आउट ऑफ हिज लार्ज स्टॉक एंड सेंट हिज मेन टू टेक अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। दे कुड पैक ओनली 60 बेल्स। लेटर ऑन देयर वाज एन एक्सीडेंट फायर एंड द एंटायर स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड इंक्लूडिंग 60 बेल्स दैट वेयर ऑलरेडी पैक्ड। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एक्सप्लेन As to who will bear the loss and to what extent? कौन लॉस बेयर करेगा और कब तक बेयर करेगा, यह पूछा गया है। क्लियर है? सैम्यूल एग्रीड टू परचेस 600 बेल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम वरुण। दे कुड पैक ओनली 60 बेल। लेटर ऑन देर वॉज एन एक्सीडेंट बाय फायर। 60 ही बेल पैक किए थे, मतलब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आए थे। तो जो 60 बेल पैक हुए उसकी लाइबिलिटी सैम्यूल की हो जाएगी, क्योंकि सैम्यूल परचेस करना चाहता है और गुड्स असर्टेंड हो गए। गुड्स जब असर्टेंड हो जाते हैं, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाते हैं, तो लाइबिलिटी बाहर की होती है। तो सैम्यूल 60 के लाइबल होगा, पर जो 40 वो नहीं कर पाए, वो असर्टेंड नहीं हुए, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी लाइबिलिटी वरुण बेयर करेगा। कौन बेयर करेगा? वरुण। तो नीचे आंसर देखो, देखो यही बोला है, द लॉस अराइजिंग ड्यू टू फायर ऑफ 60 बेल विल बी बॉर्न बाय सैम्यूल, एज रिगार्ड्स 40 बेल द लॉस विल बी बॉर्न बाय वरुण। अब आंसर पढ़ सकते हो, ठीक है? और कुछ पूछा है क्या? रेफरिंग टू प्रोविजन ऑफ एक्सप्लेन एज टू हु विल बेयर द लॉस टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है? ये लिखा हुआ है कि ये बेयर करेगा। हाँ, अगर बेल सिलेक्ट नहीं किए जाते तो पूरा 100 बेल्स का लॉस वरुण ही कंप्लीटली बेयर करता, अगर सिलेक्ट नहीं होते हैं तो असर्टेन गुड्स के लिए कुछ चीज जरूरी है। देखो ऊपर लिखा हुआ होगा ऑलरेडी, मैं उसको भी मार्क करके दे दूं कि आपने पॉइंट में क्या लिखना है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड गुड रिमेन्स एट द सेलर्स रिस्क, ठीक है? उसके बाद में फर्दर ट्रांसफर्ड अनलेस एंड अंटिल गुड्स आर असर्टेन, गुड्स असर्टेन होना जरूरी है, ठीक है? और आपने कम्युनिकेशन कर देना चाहिए बायर को कि गुड्स असर्टन हो चुके हैं। असेंट इज एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ठीक है? अच्छा, हो गया सबका? पॉज करके चाहिए तो पढ़ लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला, मिस्टर डी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर ई
for 5 lakh on 15 days credit. Mr. D delivered the goods on due date. Mr. E refused to pay it. Set the position and right of the D as to sale of goods. Simple hai. D sold some goods to E for 5 lakh on 15th day credit. Mr. D delivered the goods on due date. Mr. E refused to pay. So, aap compensation claim kar sakte ho. कितने डैमेजेस? ये डैमेजेस वाला सवाल है. सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट. डैमेजेस में भी डोमिनल डैमेजेस, विंडिकेट डैमेजेस, एग्जेम्पलरी डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये सब आप क्लेम कर सकते हो. तो पढ़ लेना. अगला सवाल भी डायरेक्ट सवाल है, अगला सवाल भी डायरेक्ट सवाल है. फिर शायद डायरेक्ट सवाल ही आ रहे हैं. हाँ, पेज नंबर 2.12 पे केस स्टडी है, उसको देख लेते हैं. मिस्टर अमित वॉज शॉपिंग इन सेल्फ सर्विस सुपरमार्केट. ही पिक्ड up a bottle of cold drink from a self shelf. While he was examining a bottle, it exploded in his hand and injured him. Cold drink ka bottle bhi explode hota hai, bachao zindagi mein. He filed a suit for damages against the owner of the market on the ground of breach of condition decided under the sale of goods act. Kya the sale of goods act, whether Amit would succeed in the claim. अब अगर ऐसी कोई बॉटल है जो एक्सप्लोड होने वाली है, उसमें रिस्क है, तो इसका मार्किंग करना चाहिए वो शेल्फ के ऊपर और बॉटल के ऊपर कि इट इज एक्सप्लोडेबल. और इसमें कोई मार्किंग नहीं था. इस सिचुएशन में अमित सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि वो बॉटल एक्सप्लोड हुई और ऐसे सिचुएशन में आपने उसका रिस्क मेंशन नहीं किया था. सो मिस्टर अमित कैन क्लेम डैमेजेस. देखते हैं. एक्सप्लोड इंजर्ड बायर, अमित वुड सक्सीड इन द क्लेम. देखिए, ठीक है. So, आपने हमेशा रिस्क, मैंने बोला था ना, डीओ का एग्जांपल दिया था. डिओड्रेंट के ऊपर इन्फ्लेमेबल खोपड़ी वाला साइन होता है, पॉइजनस सब्सटेंस के ऊपर प्रॉब्लम साइन होता है खोपड़ी वाला कि मर जाओगे खाया पिया तो. कॉस्मेटिक्स के ऊपर होता है कि यूज फॉर ओनली एक्सटर्नल कंजम्पशन, नॉर्मली लिखा होता है कूल ड्राई प्लेस में स्टोरेज करके रखो. ऐसी चीजों को ही मर्केंटेबल क्वालिटी बोला जाता है. गो फॉर इट फास्ट. अगला केस, फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर द एम्प्लॉइज, मिस्टर यादव ब्रॉट अ डार्क ब्लू कलर्ड क्लोथ फ्रॉम विवेक but did not disclose the seller the purpose for the sale. When uniform were prepared and used by employee, the cloth was found unfit. However, there was evidence that the cloth was fit for caps, boots, carriage linings. Advise Mr. Yadav whether he is entitled to have a remedy on the sale. अगर आपने पर्पस मेंशन नहीं किया है तो ऐसे सिचुएशन में इंप्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस फॉर द पर्पस डज नॉट अप्लाई, हेंस द बायर विल नॉट सक्सीड. अगर आपने मेंशन किया रहता कि मुझे यूनिफॉर्म के लिए चाहिए, फिर ये अनफिट निकलता तो बात अलग है. क्लियर है? ये चीज को याद रखना. यह है सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाला एरिया. पढ़ लेना एक बार पॉज करके. मैं अगले केस के ऊपर बढ़ रहा हूं. 2.13 पे, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू अ टाइप ऑफ गुड्स. 2.13 पे, अ होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन गोडाउन. ही अग्रीज टू सेल 50 बेल्स एंड दीज बेल्स वर सिलेक्टेड एंड सेट असाइड. ए अग्रीज टू सेल बी टाइप ऑफ गुड्स. दोज आर असर्टन गुड्स. ये तो असर्टन हो गए, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका. ए अग्रीज टू सेल बी वन पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ लॉट ऑफ 100 पैकेट लाइंग इन हिज शॉप. जब तक असर्टेंट नहीं होता तो अनअसर्टेंट रहेंगे. जब तक वो पैकेट निकाल के नहीं रखता तब तक अनअसर्टेंट रहेंगे. टी एग्रीज टू सेल एस ऑल द ऑरेंजेस विच विल बी प्रोड्यूस्ड इन हिज गार्डन दिस ईयर. तो जितने प्रोड्यूस हो चुके हैं वो असर्टेंट है. जब तक वो, अगर वो पैक किए, पैक नहीं किए, झाड़ पे ही है, तो असर्टेंट नहीं है. क्लियर आंसर? फिर उसे फ्यूचर गुड्स बोला जाता है. थर्ड वालों को फ्यूचर गुड्स. So, पहला है असर्टन गुड्स, दूसरा है अनअसर्टन गुड्स, तीसरा है फ्यूचर गुड्स. ये चीज को याद रखना. आगे, सूरज सोल्ड हिज कार टू सोहन फॉर 75,000. आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन सोहन पेड 25,000 एंड टुक अ पोजीशन ऑफ द कार एंड प्रॉमिस टू पे रिमेनिंग अमाउंट विद इन अ मंथ. लेटर ऑन सोहन रिफ्यूज टू गिव द रिमेनिंग अमाउंट ऑन अ ग्राउंड दैट कार वॉज नॉट गुड कंडीशन. Was not in good condition. यहां पे caveat emptor लग जाएगा. But let the buyer be aware. यहां कार चेक करके लिया था. देखो, after inspection and satisfaction उसने पैसा दिया है. That means उसको पूरे 75 देना जरूरी है. So नीचे this problem provision. Hence Suraj will succeed against the Sohan for recovery of the remaining amount. As a part is Suraj entitled to interest on the same and interest during the pendency of the suit. तो यहां पे recover कर सकते हैं पूरे 75,000 क्योंकि satisfaction के बाद car purchase किया है. एक बार चेक कर लीजिए, रीड कर लीजिए आंसर. ये जे वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये होमवर्क. पॉज करके रीड कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं. जे वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये होमवर्क जो है पेज नंबर 2.14 पे रीड कीजिए.
चलो डन। नेक्स्ट पेज नंबर 2.14 पे ही, मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच फॉर सर्टन प्राइस बाय इश्यू ऑफ इनवॉइस बट द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन दैट डे। द गुड्स वर पैक्ड एंड लाइंग इन द गोडाउन। गुड्स वर पैक्ड एंड लाइंग इन द गोडाउन, असर्टन हो गया बेटा। मिस्टर जी द गुड्स वर इंस्पेक्टेड बाय एच एजेंट एंड फाउंड टू बी इन ऑर्डर। लेटर ऑन ड्यूज ऑफ द गुड्स वेर सेटल्ड इन कैश। गुड्स के ड्यूज कैश में सेटल हुए। जस्ट आफ्टर रिसीविंग कैश मिस्टर जी आस्क दैट गुड्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम द गोडाउन। मतलब इंटीमेशन भी दे दिया कि गुड्स लेके जाओ भैया। आफ्टर वन डे सिंस मिस्टर एच डिड नॉट टेक अ डिलीवरी ऑफ गुड्स मिस्टर जे केप्ट द गुड्स आउट ऑफ द गोडाउन इन एन ओपन ठीक है स्पेस ड्यू टू रेन सम गुड्स वेर डैमेज्ड। रेफरिंग टू प्रोविजन एनालाइज अबाउट सिचुएशन एंड डिसाइड हु विल हेल्ड बी रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा मिस्टर एच क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी डिलीवरी लेना और उसने डिलीवरी नहीं ली है। रीड कर लो एक बार देखो। अगला केस ठीक है आप चाहिए तो पॉज करके रीड कर सकते हो। मिस्टर डी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर ई फॉर 5 लाख ऑन 15 डेज क्रेडिट मिस्टर डी डिलीवर्ड द गुड्स ऑन ड्यू डेट मिस्टर ई रिफ्यूज टू पे इट। सेम सवाल ऊपर हो गया था होमवर्क। आगे ये भी डायरेक्ट सवाल है पढ़ लेना। ओके पेज नंबर 2.17 पे मेसर्स वुडवर्थ एसोसिएट्स अ फर्म डीलिंग विद द होलसेल। ओके डीलिंग विद द होलसेल एंड रिटेल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ वुडन लॉग्स कस्टमाइज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। दे डील्ड विद द रोज वुड मैंगो वुड टीक वुड बर्मा वुड। मिस्टर दास कस्टमर केम टू शॉप एंड आस्क वुडन लॉग्स मेजरिंग 4 inches ब्रॉड एंड 8 feet लॉन्ग एज रिक्वायर्ड फॉर कार्पेंट्री। कार्पेंटर मिस्टर दास स्पेसिफिकली मेंशन दैट रिक्वायर्ड द वुडन विच वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग वुडन डोर्स एंड विंडोज फ्रेम। द शॉप ओनर एग्रीड टू अरेंज द वुडन पीस कट इन टू एज पर द बायर्स रिक्वायरमेंट। द कार्पेंटर विजिटेड दास हाउस नेक्स्ट डे एंड ही फाउंड दैट द सेलर हैज सप्लाइड मैंगो ट्री वुड विच वुड बी मोस्ट अनसुटेबल फॉर द पर्पज। द कार्पेंटर आस्क्ड मिस्टर दास टू रिटर्न द वुड लॉग्स एंड इट वुड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। मतलब उन्होंने वुड लॉग्स मंगवाए थे जो डोर और विंडोज बनाने के लिए चाहिए। कार्पेंटर ने जब देखा तो भैया ऐसे वुडन लॉग्स दिए थे वुड्सवर्थ ने कि जो विंडो और डोर के लिए बने ही नहीं थे। द शॉप ओनर रिफ्यूजेस टू रिटर्न द वुडन लॉग ऑन अ प्ली दैट लॉग्स वेयर कट टू अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ मिस्टर दास एंड हेंस कुड नॉट बी सोल्ड। देखो उसके दो रिक्वायरमेंट है, एक तो मेजरमेंट दूसरा क्वालिटी। तो यहां दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं किया। उसने बोला था कि 4 inches by 8 feet का चाहिए और साथ में मुझे विंडोज और डोर के लिए चाहिए। तो 4 inches by 8 feet का तो कट हो गया पर विंडोज और डोर की रिक्वायरमेंट तो कंप्लाई नहीं हुई। तो ऐसे सिचुएशन में कैविएट एम्प्टोर भी नहीं लगेगा, ना ही कैविएट एम्प्टोर लगेगा और जो गुड्स है वो रिटर्न लेने पड़ेंगे और मिस्टर दास को कंपेंसेशन मिलना चाहिए। आंसर पढ़ लो एक बार। देखो मिस्टर दास इज एंटाइटल टू गेट हिज मनी बैक, लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है ठीक है। पढ़ लीजिए एक बार, गो फॉर इट फास्ट। हो गया सबका? अगले चैप्टर की केस स्टडी जो हम देखने वाले हैं अभी वो है पार्टनरशिप एक्ट की केस स्टडी। सो सब जन आ जाइए ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स कंप्लीट किया होना चाहिए इसके लिए। सो आ जाइए। मिस्टर राम एंड कंपनी फर्म कंसिस्ट ऑफ 3, पेज नंबर 3.1 के ऊपर रहेगा ये।
कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्टनर एबीसी हैविंग वन थर्ड ऑफ शेयर्स ईच इन द फर्म. अकॉर्डिंग टू ए एंड बी द एक्टिविटीज ऑफ सी आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड दस वॉन्ट टू एक्सपेल सी फ्रॉम द फर्म. एडवाइज ए एंड बी वेदर दे कैन डू सो. एक्सपेल करेंगे पार्टनरशिप में से तो पार्टनरशिप बेटा डिसॉल्व करना पड़ेगा. पार्टनरशिप डिसॉल्व करना पड़ेगा तो पार्टनरशिप टूट जाएगी, नई पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी. देखिए आंसर. देखो द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सपल्शन आर द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट एग्जिस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. The power has been exercised by majority of the partners. It has been exercised in a good faith. Expulsion must be in the interest of the partnership. Expel served notice. Notice देना चाहिए. Has been given opportunity of being heard. ये सब अगर आप comply करते हो तो expel कर सकते हो. नहीं करते हो तो partnership dissolve होगा और आप expel नहीं कर पाओगे. Clear है? नीचे अगला direct सवाल है, पढ़ लेना बच्चों. उसके अगला भी direct सवाल है, पढ़ लेना. उसके next वाला भी, उसके नेक्स्ट भी. हाँ, आज ये पेज नंबर 3.4 पे वहां केस स्टडी है. ये सभी डायरेक्ट सवाल मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि आपकी बार बार रिपीटेशनों के प्रैक्टिस हो तो खुद करते रहना साइड बाय साइड. एंड कंपनीज रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इन 2015 विथ एबीसी एज अ पार्टनर इन 2016 ए डाइज इन 2017 बी एंड सी स्यूज एक्स इन द नेम और ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड कंपनी. ठीक है, विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन डिसाइड वेदर सूट इज मेंटेनेबल. देखो एबीसी जो फर्म था, ए एंड कंपनी जो फर्म था, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था एक्स का जिसमें तीन पार्टनर्स थे ए बी सी, जिसमें से ए मर गया और बी और सी ने एक्स के ऊपर केस कर दिया कोई परफॉर्मेंस के लिए. सवाल है कि क्या ए एंड कंपनी अभी केस कर सकता है जब उसमें से एक पार्टनर ऑलरेडी मर चुका है, या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होनी चाहिए. ठीक है, तो यहां पर आंसर पढ़ना एक बार. Decide whether suit maintainable. Whether your answer be same in 2017, B and C had taken a new partner D to file a suit against fresh registration. So, yahan pe, in the view of provision, the suit in case of B and C against A on behalf of A and company is maintainable. Pehli baat to. B C taken a new partner D to file a suit against X, which is a fresh one. Theek hai? उसके बाद बोला है वेयर अ न्यू पार्टनर इज इंट्रोड्यूस द फैक्ट इज टू बी नोटिफाइड टू रजिस्ट्रार हु शॉल मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द नोटिस. अगर आपने रजिस्ट्रार को फाइल किया है तो ये सूट मेंटेन हो सकता है. देयरफॉर फर्म कैनॉट सू एज डीज न्यू पार्टनर नेम हैज नॉट बीन एंटाइटल्ड टू रजिस्टर्ड इन द फर्म. मतलब आपने नाम रजिस्टर नहीं किया है इसलिए आप ये केस फाइल कर नहीं सकते. क्लियर है कांसेप्ट. नीचे ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म कॉल्ड एबीसी फर्म. A, with the intention of deceiving D, a supplier of office stationery, by certain stationery on behalf of ABC firm. The stationery is of use in the ordinary course of the firm's business. A does not give a stationery to the firm, instead bring it to his own house. The supplier D, who is unaware of the private use of the stationery by A, claims the price from the firm. From refuses to pay the price on a ground that stationery was never received by it. Referring to provision of partnership act, decide whether firm's contention shall be tenable. What would be our answer? Stationery purchased by A was delivered to the firm by him and rest of the stationery was used by him in private use. So, kya hoga? Agar stationery lai aur private purpose ke liye use ki to kya hoga? Dekho answer mein. द फर्म्स कंटेंशन इज नॉट टेनेबल क्योंकि पार्टनर लेके आया है तो फर्म लायबल रहेगा. द फर्म देयर फोर इज लायबल फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स. ये बहुत जरूरी है. सेकेंड केस आंसर वुड बी द सेम क्योंकि फर्म ने तो अभी स्टेशनरी यूज किया है. इन बोथ द केसेस एबीसी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट से. आप आपके पार्टनर से रिकवर कर सकते हो, बात अलग है. क्लियर है, पार्टनर से कभी भी स्टेशनरी रिकवर करना अलाउड है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, अगला डायरेक्ट सवाल है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप्स का, आप सॉल्व कर सकते हो. देखना अगले इसके ऊपर जाते हैं एक मिनट के बाद.
चलो नेक्स्ट. एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म. दे आर कैरिंग देयर बिजनेस सक्सेसफुली फॉर पास्ट सेवरल इयर्स. स्पाउस ऑफ एक्स एंड वाई फॉट इन द लेडीज क्लब ऑन देयर पर्सनल इशू एंड एक्स वाइफ वॉज हर्ट बैडली. एक्स गॉट एंग्री ऑफ द इंसिडेंट एंड कॉन्विंस्ड जेड टू एक्सपेल वाई फ्रॉम देयर पार्टनरशिप फर्म. औरतों के झगड़ों की वजह से मर्दों में दरार पड़ गई, क्या बात है. Why was expelled from partnership without any notice from X? Same expulsion वाला, ऊपर जो हमने expulsion पढ़ा था ना, same homework पढ़ लेना एक बार. वही condition है, notice देना चाहिए, interest of partnership पे होना चाहिए, opportunity of being heard देना चाहिए, null और void हो जाएगा otherwise. नीचे direct सवाल है अगला वाला, उसके बाद वाला भी direct सवाल है. फिर आ जाइए केस स्टडी. हाँ, पेज नंबर 3.10 पे केस स्टडी है, आ जाइए. कैन एक्स एंड वाई बी रिगार्डेड एज पार्टनर्स इन द फॉलोइंग केसेस. एक्स एंड वाई हु जॉइंटली ओन द हाउस लेट इट आउट ऑन रेंट ऑफ रुपीज 10,000 पर एनम एंड शेयर द रेंटल इनकम इक्वली. एक्स वाई जॉइंटली ओन हाउस, कन्वर्टेड हाउस इन टू होटल after investing 1 lakh each. X manages the hotel and meets all the expenses and retain half of the gross earnings and hands over the half to Y. पहला, jointly house ले लिया in joint name में and share rental income. इसे joint ownership कहते हैं, partnership नहीं. X and Y jointly own a house, convert the house into hotel after investing 1 lakh and manages the hotel and meet the expenses. ये partnership है, ये partnership है. Decide करना है क्या partnership है क्या नहीं है. X Y who jointly own a house converted the house into a hotel after investing 1 lakh. It was agreed X would manage the hotel on his own and on behalf of Y and the net earning would be divided equally. ये भी partnership है. X publisher agrees to publish his own expenses, a book written by Y, and pay Y on behalf of net profits. ये royalty agreement है, इसे royalty agreement कहते हैं, partnership नहीं. X admits Y as a partner. Y does not bring any capital. He is not liable to any loss, is or received 1,000 per month as a salary in lieu of profit, and have all the powers of the partners. इसे हम एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, पार्टनरशिप मुश्किल से. ई वाले का जरा आंसर देखना. और मैंने बोला है कि एक ही सवाल में इतने सारे क्वेश्चन है, तो इसको पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना, फॉर्मेट में नहीं. कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ऑलरेडी बोला था, इसको याद रखना. नीचे देखो इन्होंने कैसे पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है, हमने उसे इसी तरीके से लिखना. एक्स एंड वाई पार्टनर्स, वाई इज पार्टनर एंड ऑल्सो वाई, हाँ वाई यहां पार्टनर माना जाएगा. Bringing capital or bearing loss are not essential element. One should act for all and he should be liable. ऐसा लिखा होना चाहिए, ठीक है. Next 3.11. X, Y, Z are partners in unregistered firm. Is suit maintainable in the following case? X file a suit against the firm for the recovery of his share of profit. X suit file करता है firm के ऊपर for recovery of profit share. क्या है, maintainable है? तो एक्स कभी भी ये सूट फाइल नहीं कर सकता. एक्स फाइल सूट अगेंस्ट वाई हु हैड स्टोलन अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये कर सकता है सूट. द फर्म फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट डब्ल्यू अ कस्टमर फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डब्ल्यू, ये भी हो सकता है. द फर्म फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट डब्ल्यू अ कस्टमर फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट फ्रॉम डब्ल्यू एंड इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग अ सूट द फर्म गॉट इटसेल्फ रजिस्टर्ड. पहले तो अनरजिस्टर्ड फर्म सूट फाइल कर सकता है क्या? नॉर्मली नहीं. एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप फर्म इज अनरजिस्टर्ड, देर विल नो सूट इन द सिविल कोर्ट बाय द फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी. तो सी पॉइंट में आप सूट फाइल नहीं कर सकते बिकॉज आप अनरजिस्टर्ड हो. डी पॉइंट में आप सूट फाइल करने के बाद रजिस्टर्ड होते हो, सो नो सूट कैन बी फाइल्ड बाय को पार्टनर्स थर्ड पार्टी. बट हियर द फर्म इज रिस्ट्रिक्टिंग अ थर्ड पार्टी फ्रॉम मिस यूजिंग अ पेटेंट राइट विच इज क्रिमिनल ऑफेंस. नेक्स्ट, द फर्म फाइल्ड अ सूट टू रिस्ट्रेन थर्ड पार्टी फ्रॉम मिसयूजिंग पेटेंट, अलाउड है.
W filed a suit against the firm for recovery of 10,000 due from firm. W was owed rupees 6,000 to firm. The firm claimed set off of 6,000. W ने केस फाइल किया. तो ऐसे सिचुएशन में फर्म cannot set off a claim of 6,000 because it is more than 100 rupees. Normally 100 rupees तक के ही set off कर सकते, उसके ऊपर नहीं. फिर अगला है H, सॉरी G. X filed a suit for dissolution of the firm as per provision of partnership act. Even if firm is registered, X suit for dissolution of firm is valid, जरूर होगा. X filed a suit on account of dissolved firm as per the provision of partnership act. Dissolved firm के ऊपर अगर आप केस फाइल करते हो, here is X suit is valid because he has sued the dissolved firm for his accounts. अकाउंट्स के लिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके डिटेल मांग सकते हो. X filed a suit for claiming share of the asset of the dissolved firm. बिल्कुल ये भी suit valid हो सकता है, क्योंकि firm dissolved होने के बाद आपको share of asset मिलना ही चाहिए. Clear है concept? नीचे X and Y in partnership. X was appointed to buy the goods for the firm. Is X accountable to firm for profit he makes in the following cases? क्या X accountable है for the profit he makes in the following cases? X, without the knowledge of Y, supplied his own goods to the firm at a market price and made a huge gain. X, without the knowledge of Y, obtained for his own sole benefit a lease of the building in which the partnership business is carried on. X, without knowledge of Y, received a commission from Z. X supplied goods to the firm. It is found that X is engaged with Z for supplying of the goods to the customer. तो यहां सिंपली बोला है, जो भी एक्स करेगा उसके लिए वाई जिम्मेदार है, और अगर एक्स को पार्टनरशिप के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट होता है तो फिर वो बेनिफिट फर्म ने लेना चाहिए. ये एक रूल है, तो मैं चाहूंगा इसको स्टार मार्क करके रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा सकता है, इसका एक बार आंसर पढ़ लीजिए मन में. गो फॉर इट फास्ट.
चलो डन। ओके आ जाइए नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर हम जा रहे हैं। ठीक है अगला केस है एक्स पेड वाई एंड जेड रुपीज 20 लैक्स ऑन एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप फॉर 10 इयर्स एंड अ फर्म इज डिसॉल्व एट द एंड ऑफ 8 ईयर। सेड वेदर एक्स इज एंटाइटल रिपेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रीमियम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इफ डिसोल्यूशन इज बाय डेथ ऑफ वाई इफ डिसोल्यूशन इज ड्यू टू एक्स ओन मिसकंडक्ट इफ डिसोल्यूशन इन परस्यूएंस ऑफ एग्रीमेंट नो प्रोविजन ऑफ रिटर्न डिसोल्यूशन इज ड्यू टू वाईज मिसकंडक्ट डिसोल्यूशन इज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ वाई। सिंपल सी बात है किसी का अगर मिसकंडक्ट है तो ऐसे केसेस में उसको कंपेंसेशन नॉर्मली नहीं दिया जाता। कोई इंसॉल्वेंसी है तो अगर डेट ड्यू है तो उसके प्रॉपर्टी में से असेट रिकवर की जाती है और पे की जाती है। बाकी अगर बिना किसी गलती का डिसोल्यूशन है तो यू आर एंटाइटल टू द शेयर इन अ प्रॉफिट एज वेल एज असेट्स ऑफ द कंपनी बट आफ्टर पेइंग डेट्स। डेट पेमेंट के बाद में जो बचेगा उसके लिए आप जरूर एलिजिबल होते हो। तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। पॉज करके पढ़ सकते हो पढ़ना मैं अगले सिचुएशन में जा रहा हूं। ए बी सी डी ई आर पार्टनर्स इन अ फर्म दे डिसाइड टू डिसॉल्व अ फर्म ऑन 1st जनवरी बट फेल टू गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ इट्स डिसोल्यूशन एंड कंटिन्यूड अ बिजनेस फॉर फर्स्ट फर्म इवन दैट डेट। सी अ डोरमेंट पार्टनर रिटायर्ड ऑन 4th जैन डी डाइड ऑन 5th जनवरी ई वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ऑन 3rd जनवरी। क्या फर्म को क्या नजर लग गई क्या इतने सारे एक डाइड एक इंसॉल्वेंट क्या चल रहा है। ऑन 11th जनवरी ए बोरोड इन अ फर्म्स नेम रुपीज 20 लाख फ्रॉम आर हु वॉज इग्नोरेंट ऑफ द डिसोल्यूशन डिस्कस लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ 20 लैक्स। क्या लाइबिलिटी होगा स्टार मार्क करना क्वेश्चन बड़ा ही सीवियर है आंसर देखना कितना खतरनाक है। ए बी आर लाइबल फॉर 20 लाख बट सी बीइंग अ डोरमेंट पार्टनर इज नॉट लाइबल डी एंड ई आर नॉट लाइबल फॉर द 20 लाख बिकॉज सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड डोरमेंट पार्टनर रिटायरमेंट डज नॉट मेक हिम लाइबल फॉर द एक्ट्स डन फॉर डिसोल्यूशन। D dies, E was adjudicated insolvent. So D and E shall also not be liable. मतलब जो dormant है वो liable नहीं होता active partners के act के लिए और जो insolvent है और death है वो तो वैसे ही नहीं पड़ गए तो वो liable नहीं होंगे तो सिर्फ A और B liable होगा। आगे state whether following statement are void or valid। ठीक है direct सवाल है एक बार खुद solve करके देखना फिर अगले भी direct सवाल है direct सवाल पेज नंबर 3.15 पे सवाल है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डेड ए इज एंटाइटल टू 20% ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ए रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड डाइज आफ्टर 15 डेज बी एंड सी कंटिन्यूज द बिजनेस ऑफ द फर्म विदाउट सेटलिंग अकाउंट्स व्हाट आर द राइट्स ऑफ एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट द फर्म। केस कर सकते हैं सीधा केस कर सकते हैं पूरे अकाउंट्स और असेट्स ले सकते हैं और जितना डिले हुआ है उस सब के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं 6% पर एनम के हिसाब से। तो नीचे बेस्ड ऑन द प्रीवियसली मेंशन प्रोविजन ए शॉल बी एंटाइटल टू फॉलोइंग 20% शेयर इन द प्रॉफिट एज वेल एज असेट्स ऑफ द कंपनी और जितना डिले हुआ है 6% इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्लियर है। नीचे पी एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन रजिस्टर्ड फर्म ए एंड कंपनी एक्स डाइड एंड पी रिटायर्ड एक्स एंड जेड वाई एंड जेड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट डब्ल्यू इन द नेम और ऑन बिहाफ ऑफ फर्म विदाउट नोटिफाइंग द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म अबाउट द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इज दिस सूट मेंटेनेबल। देखना आंसर के अंदर स्ट्रेट अवे द सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म जो रजिस्टर्ड फर्म है अनरजिस्टर्ड फर्म के बिहाफ पे सूट नहीं होता और नया कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। क्लियर है चलो तो एक बार रीड कर लो। ये सब चीजें क्लास हो गई है अपनी
चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। राम मोहन एंड गोपाल वेर पार्टनर्स इन अ फर्म। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑर्डर्ड सनराइज लिमिटेड टू सप्लाई मशीन टू द फर्म। सनराइज लिमिटेड से फर्म ने मशीन मांगी। बिफोर मशीन वॉज डिलीवर्ड राम एक्सपायर्ड, राम मर गया। द मशीन हाउएवर वॉज लेटर डिलीवर्ड टू द फर्म। देयर आफ्टर रिमेनिंग पार्टनर बिकम इन्सॉल्वेंट एंड द फर्म फेल टू पे द प्राइस ऑफ मशीन टू सनराइज लिमिटेड। वेदर राम्स प्राइवेट एस्टेट इज लायबल फॉर द प्राइस ऑफ द मशीन अगेंस्ट हुम द क्रिएटर कैन ऑब्टेन अ डिक्री। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हो, और अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी उसमें से रिकवर कर सकते हो, ठीक है। पर अब क्या बोला है, राम्स एस्टेट इन दिस केस विल नॉट लायबल फॉर द प्राइस ऑफ द मशीनरी, क्योंकि मशीनरी ये बाद में डिलीवर हुई थी, जब राम था उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। द क्रिएटर इन दिस केस कैन ओनली पर्सनल डिक्री अगेंस्ट सर्वाइविंग पार्टनर्स एंड डिक्री अगेंस्ट द पार्टनरशिप असेट इन द हैंड्स ऑफ दोज पार्टनर। जितना पार्टनरशिप असेट है उसके लिए वो केस कर सकते हैं, सर्वाइविंग पार्टनर जो है उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, उनके पर्सनल असेट में से ले सकते हैं, ठीक है। हाउएवर सर्वाइविंग पार्टनर ऑलरेडी इंसॉल्वेंट सो नो सूट कैन लाई अगेंस्ट देम। ये भी चीज को आपको याद रखना जरूरी है। नीचे अगला केस, ओके, पेज नंबर है 3.18 के ऊपर केस स्टडी। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक्स इंट्रोड्यूस ए अ मैनेजर एज हिज पार्टनर टू जेड। ए रिमेन साइलेंट। जेड अ ट्रेडर बिलीव्ड ए एज अ पार्टनर, सप्लाइड 100 टीवी सेट्स टू द फर्म ऑन क्रेडिट। आफ्टर एक्सपायरीज क्रेडिट पीरियड जेड डिड नॉट गेट अ अमाउंट ऑफ टीवी सेट सोल्ड फ्रॉम पार्टनरशिप। जेड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एक्स एंड ए फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस। एडवाइज जेड वेदर ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स एंड ए। यस, दिस इज पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। इन द गिवन केस अलॉन्ग विथ एक्स मैनेजर ए इज ऑल्सो लाइबल फॉर प्राइस बिकॉज बिकम्स अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मैंने बोला था ना होल्डिंग आउट पार्टनरशिप में लाइबल जरूर होते हैं। आंसर चाहिए तो पढ़ लो एक बार। थर्ड पार्टी को आपने होल्डिंग आउट बोला और पार्टनर ने उसके ऊपर वर्क किया, यू आर ऑलवेज लाइबल। चलो डन एवरीबॉडी, ओके। अगली चीज के ऊपर जाते हैं, अगले केस के ऊपर, नेक्स्ट केस। मास्टर एक्स वॉज इंट्रोड्यूस टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। मोर देन 6 months elapsed एंड ही failed टू गिव पब्लिक नोटिस एज टू whether इलेक्टेड टू बिकम और नॉट और बिकम पार्टनर इन द फर्म। लेटर ऑन मिस्टर एल सप्लाइड अ मटेरियल टू मेसर्स एबीसी एंड कंपनी। फाइल्ड अ सूट against Messrs. ABC and Company for recovery of the debts due. In the light of the Indian Partnership Act 1932, explain to what extent X will be liable if he failed to give a public notice after attaining majority. Can Mr. L recover his debt from X? सबसे पहले X ने majority होने के बाद में 6 महीने के अंदर public notice देना चाहिए कि वो partner बनना चाहता है। जो टर्म्स है वो कंटिन्यू रहेंगे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको पब्लिक नोटिस स्पेसिफिकली देना है। देखो मेजॉरिटी अटेंड करने पे क्या क्या करना पड़ता है। एट एनी टाइम 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी और ऑब्टेनिंग अ नॉलेज विच एवर इज लैटर पर्सन शॉल गिव अ पब्लिक नोटिस
to elected to become a partner. And such a notice shall determine position in this regard. Fails to give a notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months. Automatic partner ban jayega 6 mahine baad. If minor becomes a partner by his failure to give a public notice specified, his rights and liabilities are as follows. He become personally liable to third party. Third party ko personally liable ho jaoge for the act of the firm. For the all act of the firm, since he was admitted for the benefit of partnership, his share in a property and the profit of the firm remains same to which he was entitled as a minor. Jaise minor ke uske rights and liability maine jaise bola tha, wo jaise ke waise rahenge. Answer padh lijiye ek bar. Next case. Mr. A, Mr. B, Mr. C were partners in a partnership firm. Messrs. ABC and Company, which is engaged in the business of trading of a branded furniture. The name of the partnership was clearly written along with the firm name in front of the head office of the firm as well as letterhead of the firm. On 1st October 2018, Mr. C passed away. His name was either removed from the list of the partner as stated in front of head office nor from the letterhead of the firm. Koi uska naam hataya nahi gaya. As per the terms of the partnership, the firm continued its operation with Mr. A and Mr. B as a partner. The accounts of the firm were settled and the amount due to the legal heir of Mr. C was also determined on 10th October 2018. But the same was not paid to the legal heirs of Mr. C on 16th October 2018. Mr. X supplied a furniture worth 20 lakh. ABC and Company and Mrs. ABC and Company could not repay the amount due to heavy losses. Mr. X want to recover the amount not only from Mrs. ABC and Company but also from legal heir of Mr. C. Analyze above situation in terms of the provision of Indian Partnership Act. Star mark करके रखना, बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा. अगर डेथ हो गया तो जो लीगल हेयर है उसको पार्टनरशिप के असेट्स में पूरा शेयर मिलेगा जो पार्टनर का था, साथ में प्रॉफिट में. और अगर ये सही समय पर नहीं दिया जाता तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा. तो उसके हिसाब से आंसर ऐसा आना चाहिए, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, मिस्टर एक्स क्रिएटर कैन हैव ओनली अ पर्सनल डिक्री अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर. सिर्फ पर्सनल डिक्री हो सकती है. एंड डिक्री अगेंस्ट द पार्टनरशिप असेट इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर, अ सूट फॉर अ गुड सोल डिलीवर वुड नॉट लाय अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर के खिलाफ नहीं रहेगा क्योंकि वो है ही नहीं. हेंस लीगल हेयर ऑफ सी कैनॉट बी हेल्ड लायबल टुवर्ड्स एक्स, क्योंकि वो तो प्रेजेंट ही नहीं था पार्टनरशिप में, तो क्यों लायबल होगा. नेक्स्ट, अगला केस स्टडी पेज नंबर 3.22 पे है. मेसर्स एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एक्स वाई जेड सीनियर पार्टनर्स, वेयर एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज. ऑन 25th August 2016, दे इंडक्टेड मेसर जी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग एज देयर पार्टनर. On 10th January 2018, Mr. G was blamed for unauthorized activities and thus expelled from partnership by United. Again, expulsion वाला सवाल. क्या आप उसको हकाल सकते हो? Homework. ठीक है. Expulsion की condition है. Should be, must be in the agreement. Should be done by majority. Done by good faith. पहला ही सवाल partnership का हमने यही solve किया था. नहीं किया तो bonafide interest के लिए करना चाहिए. ऐसा नहीं हुआ. Opportunity of being heard देना चाहिए. Otherwise, expulsion null or void हो जाएगा. यहां पे पार्टनरशिप की केस स्टडी खत्म होते हैं. मैंने सिर्फ केस स्टडीज ही ली है पूरे लेक्चर्स में. डायरेक्ट सवाल आपने पढ़ने चाहिए जो ऑलरेडी हमारे रेगुलर बैच के अंदर डिस्कस हुए हैं, जहां कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप के होते हैं. आगे अगर समय मिलता है, फिलहाल कोई प्रॉमिस नहीं, मैंने आपको केस स्टडी का तरीका बोल दिया है, साथ में केस स्टडी के नोट्स दिए हैं. आगे अगर समय मिलता है ऑब्वियसली तो कंपनी और पार्टनरशिप के हम केस स्टडीज लेने की कोशिश, कंपनी और एलएलपी केस स्टडीज लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बुक में दिए हैं, आप उसको रीड करना शुरू कर दीजिए. फिलहाल उसके लिए कोई प्रॉमिस नहीं है, बट श्योरली मैं इसके लिए ट्राई जरूर करूंगा. दो लेक्चर्स मैंने बोले थे कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स के और पार्टनरशिप के, वो यहां पे कंप्लीट हुए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस दर्शन करे साइनिंग आउट.